राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाला है आप और आप सभी का और मेरा पसंदीदा त्योहार जन्माष्टमी, जिसमें हम अपने लाला का अवतरण दिवस बनाते हैं, जन्मदिन बनाते हैं, जन्म उत्सव बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे बनाते हैं। तो अगर आपके घर पर ये पांच चीजें नहीं है तो जन्माष्टमी से पहले आपको ये पांच चीजें अपने घर पर विशेष और विशेष कर लेके आनी चाहिए। वैसे तो कोशिश कीजिए कि आपके घर में ये पांच चीजें आपकी पूजा से कभी भी नहीं खत्म होनी चाहिए, कभी भी नहीं हटनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो जन्माष्टमी से पूर्व आपको ये पांच चीजें अवश्य लेके आनी चाहिए, जिससे आप पर कन्हैया जी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर एक, गाय। अगर आप गांव एरिया में रहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, तो कोशिश कीजिए गाय पाल लीजिए। अगर नहीं हो सकता, तो मित्र फ्लैट वाले एरिया में रह रहे हैं या फिर दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ पे स्पेस की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो मेरे गांव में तो गाय है, मेरे ससुराल में गाय है, लेकिन हम फ्लैट एरिया में रहते हैं, यहाँ पे गाय नहीं है। तो आप अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के लिए कुछ इस प्रकार से गौ माता अवश्य लेके आइए। जब आप गौ माता लेके आ रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है कि उनका बछड़ा भी उनके साथ होना चाहिए जो उनका दुग्ध पी रहा हो, कुछ इस प्रकार से। देखिए कितना सुंदर है ये। मेरी माता जी ने मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को गिफ्ट दिया था। कुछ इस प्रकार से गौ माता की एक प्रतिमा आपको जन्माष्टमी से पूर्व ही घर पर लेके आनी है और अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को गिफ्ट अवश्य करनी है। ये बहुत ही सुंदर लगता है और टचबुट मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। कहते हैं कि यहाँ पर लड्डू गोपाल होते हैं, वहां पर गौ माता की ऐसी प्रतिमा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए बात आगे कर लेते हैं कि दूसरे नंबर की ऐसी कौन सी चीज है। और दूसरे नंबर की चीज है जो की है बांसुरी। आपके घर में बांसुरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपके घर में बांसुरी नहीं है तब भी आप जन्माष्टमी पर बांसुरी अवश्य लेके आए। अगर आप मेरी बात करें ना, तो मेरे घर में इतनी सारी बांसुरी है, हर जन्माष्टमी पे मैं कोई ना कोई बांसुरी अवश्य लेके आ जाती हूँ। आप ये देखिए, प्रॉपर बांस की बांसुरी है। ये मेरे को किसी ने गिफ्ट करी थी, ये मैंने श्रीधाम वृंदावन से परचेस करी थी। ये मेरे मंदिर में हमेशा रहती है। मैं आपको बताती हूँ, ये वाली बांसुरी मेरे मंदिर में हमेशा विराजमान रहती है, ये मेरे किचन घर में हमेशा विराजमान रहती है, ये मेरे ड्राइंग रूम में हमेशा विराजमान रहती है, और ये घर के मुख्य दरवाजे पे हमेशा विराजमान रहती है। तो ऐसे करके इस समय पे तो मेरे घर पे बांसुरियों की लाइन लगी पड़ी है, जो कि मैं प्राण प्रतिष्ठित करके दोबारा से जन्माष्टमी पे मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगी और दोबारा से मैं इन सबको स्थापित कर दूंगी। यहाँ पे इनकी लोकेशन है, वहां वहां पे कर दूंगी। और आपको जन्माष्टमी से पहले बांसुरी एक अवश्य लेके आनी होती है और अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को गिफ्ट अवश्य करनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज है चंदन। मेरे घर पे चंदन तो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। मेरे घर पे अनंत प्रकार के चंदन है, गोपी चंदन है, ये देखिए ये अष्टगंधा का चंदन है, ये घीला वाला जो चंदन आता है वो चंदन है, ये पीला वाला चंदन है, मेरे घर पे गोपी चंदन भी है। तो मेरे घर पे तो चंदन कभी भी खत्म नहीं होते। लेकिन अगर आपके घर पे चंदन नहीं है तो मेक श्योर जन्माष्टमी से पहले आपको चंदन लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चंदन का ही स्वास्तिक आपको जन्माष्टमी पे अपने घर पे बनाना है, क्योंकि चंदन का स्वास्तिक घर पे बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है और चंदन ही बांके बिहारी जी के सिंगार में हमेशा लगाया जाता है। कहते हैं तासीर ठंडी होने के बाद भी 12 महीने केवल चंदन बांके बिहारी जी को लगाया जाता है, लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। और आगे अगली चीज है, आप लोगों को जन्माष्टमी से पहले कछुए की प्रतिमा जरूर अपने घर पे लेके आनी है। ये मैंने खुद ही अपने हाथ से परचेस करी है। ये जो कछुए की प्रतिमा है, ये एक आप इसमें बोल सकते हो खुलने वाली प्रतिमा है। जब भी आप कछुए की प्रतिमा खरीदे तो कोशिश कीजिए उसके ऊपर ये मेरू अवश्य हो, जो कि बहुत अच्छी होती है। ये देखिए खुलने वाली प्रतिमा है, इसमें आप कोई भी विश मांग के रख सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब आप इनको चार्ज करते हो। अगर इनको चार्ज नहीं करते तो ये सारी चीजें बेकार हैं। आपको अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो कछुए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए मेरे घर पे ये भी कछुआ है और ये दिवाली पे मैं लेके आई थी, तो ये भी कछुए हैं मेरे घर पे, तो हमेशा होते हैं। तो आप लोगों को भी लेकर आना जन्माष्टमी से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। और जन्माष्टमी पर जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करें तो इनको पास में रख देगी, स्वतः ही चार्ज होते रहेंगे। नेक्स्ट चीज जो जन्माष्टमी से पहले ही आप लोगों को अपने घर पे लेके आनी है वो है तुलसी माला। ये देखिए मेरे गले में भी तुलसी माला है, मैं मंत्र जाप भी तुलसी माला से करती हूँ, मेरे कन्हैया जी के पास भी तुलसी माला है, जो कि जिस पे लिखा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है आपको,
जिस पर लिखा है राधे। ये छोटी सी तुलसी माला मेरे कन्हैया जी की है। अगर आपके घर पे तुलसी नहीं है तो जन्माष्टमी से पहले, अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो जन्माष्टमी से पहले तुलसी का पौधा लेके आइए, क्योंकि तुलसी के पौधे के बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद आप तुलसी माला खुद भी पहनिए, अपने हस्बैंड को भी पहनाइए, और लड्डू गोपाल को तो पहनानी ही पहनानी है। और आपको मंत्र जाप करने के लिए भी तुलसी माला अवश्य और अवश्य लेके आनी है। लास्ट चीज जो कि आपके घर पे जन्माष्टमी से पहले जरूर आनी चाहिए वो है मोरपंख। तो जन्माष्टमी से पहले आपको मोरपंख अपने लड्डू गोपाल को जरूर उपहार में देना है। आपके घर पे जन्माष्टमी से पहले मोरपंख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मोरपंख मैं हमेशा अपने मंदिर में रखती हूँ और ये मैं हमेशा अपने किचन एरिया में रखती हूँ। रखना कैसे है, कहाँ कहाँ रखना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जन्माष्टमी से पहले आपको ये कुछ चीजें हैं जो कि अपने घर पर लेके आना बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। जन्माष्टमी से पहले ही आप अपने घर की जो लड्डू गोपाल की ड्रेस है वो जरूर और जरूर लेके आ जाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने जन्माष्टमी में कोशिश कीजिए कि लड्डू गोपाल को आप रेड रंग की, पहले तो पीले रंग की वस्त्र पहनाइए। पीले रंग का नहीं पहना सकते तो लाल भी चयन कर सकते हो, लाल भी नहीं पहना सकते तो आप भगवा कलर का चयन कर सकते हो। मेक श्योर कि आप काले और नीले रंग का उपयोग जन्माष्टमी पे ना करें। और जन्माष्टमी की सीरीज तो मैं बनाती रहूंगी कि जन्माष्टमी पर आपको कैसे कैसे पूजा करनी है, जन्माष्टमी पे करने वाले 8 उपाय कौन कौन से इंपॉर्टेंट उपाय, जन्माष्टमी पे करने वाले व्रत त्योहार टोटके पे भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आपने जन्माष्टमी से पहले ये सारी चीजें नहीं लेके आए हैं तो जल्दी से जाइए और लेकर अवश्य आ जाइए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।